हेलो गाइस, आप सभी का बाला की रसोई यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की रेसिपी है गाजर का हलवा कुकर में बनाना। तो आइए बनाते हैं गाजर का हलवा। गाजर का हलवा बनाने के लिए ये हमने 1.5 किलो गाजर ली हैं, इसको हमने कद्दूकस कर लिया है, ये हमने 500 ग्राम दूध लिया है और ये 200 ग्राम हमने खोया लिया है, 200 ग्राम ही हमने चीनी ली है। चीनी आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं और 100 ग्राम के आसपास हमने घी लिया है। ये हमने 4 से 5 इलायची ली हैं, इसको हमने कूट लिया है और ये हमने थोड़े से बादाम कट कर लिए हैं। तो आइए बनाते हैं कुकर में गाजर का हलवा। ये मैंने कुकर को गैस पे रख दिया है। अब मैं कुकर के अंदर ये घी डाल दूंगी। घी को मैं गर्म होने देती हूँ है। अब मैं इसमें ये कुटी हुई इलायची डाल देती हूँ। आप चाहे इलायची पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब मैं इसमें गाजर डाल दूंगी कद्दूकस की हुई। ये हमने 1.5 किलो गाजर ली है। ये हमने कुकर के अंदर सारी गाजर को डाल दिया है। अब मैं गाजर को हिला दूंगी थोड़ा सा और साथ ही मैं इसमें ये दूध डाल दूंगी। मैं दूध आधा बचा लूंगी और इसे अच्छे से मिक्स करके कुकर को मैं बंद कर दूंगी। अब मैं कुकर को बंद कर देती हूँ और 3 से 4 मैं इसमें सीटी लगा लूंगी। ये हमारे कुकर में 3 से 4 विसल आ चुकी हैं। गैस को मैंने बंद कर दिया है और स्टीम निकलने तक का हम इंतजार करेंगे। और ये हमारे कुकर की विसल निकल चुकी है। अब हम कुकर को खोल लेंगे और ये देखो हमारा हलवा कितने अच्छे से तैयार हुआ है। ये गलकर बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुका है। अब मैं इसमें गैस को ऑन कर लूंगी और इसमें बचा हुआ दूध डाल दूंगी। और साथ ही मैं इसके अंदर ये खोया भी डाल दूंगी और इस खोए को मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी इसमें और दूध को मैं सूखने तक का इसको पकाते रहेंगे जब तक हमारा ये दूध सूखता है। इसे मैं पकने देती हूँ। 5 से 7 मिनट में इसका दूध सूखकर तैयार हो जाएगा फिर हमारा ये हलवा। ये हमारे हलवे ने दूध को सोख लिया है पानी और दूध को। और अब मैं इसके अंदर ये चीनी डाल दूंगी क्योंकि चीनी भी चाशनी छोड़ेगी और इसे मिक्स करूंगी मैं अच्छे से। चाशनी सूखने तक पकने दूंगी। ये हमारे गाजर के हलवे ने सारी चीनी को सोख लिया है और अब मैं इसमें बादाम डाल दूंगी। थोड़े से बादाम मैंने बचा लिए हैं। इसे मैं अच्छे से 1 से 2 मिनट के लिए भून लूंगी इसी प्रकार। और ये हमारा हलवा बनकर तैयार हो चुका है। और ये देखो कितने अच्छे से बना है हमारा हलवा। ये गाजर पाक बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने कुकर में बनाया है। गाजर पाक हमारा बनकर तैयार हो चुका है। अब मैं इसे एक बाउल के अंदर सर्व करूंगी। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा खोया डाल दूंगी। ये थोड़ा सा खोया मैंने बचा लिया था। अब मैं ये थोड़े से बादाम जो मैंने बचाए थे ये भी मैं इस पे डाल दूंगी। एक चांदी का वरक लिया है, इस चांदी के वरक को मैं इस पे लगा दूंगी। बिल्कुल आहिस्ता से मैं इसे इस पे चिपका दूंगी। और ये हमारा गाजर पाक
कुकर में बनकर तैयार हो चुका है बिल्कुल सिंपल तरीके से। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।